ग्राम पंचायत झापा में मुखिया सह प्रधान पूर्णिमा देवी के अथक प्रयास से झापा पंचायत भवन में मासूम क्लिनिक के माध्यम से मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की खास बात यह रही कि यहां पर जो भी लोग आए सभी को फ्री इलाज और साथ ही में फ्री मेडिसिन की व्यवस्था की गई थी। झापा पंचायत भवन में बड़ी मात्रा में लोग आए और इस शिविर का लाभ उठाए। साथ ही में यहां आए हुए डॉक्टर बद्रू जमा ने पंचायत झापा की मुखिया पूर्णिमा देवी के साथ मोहम्मद नसीम की तारीफ की। देखा यह खास रिपोर्ट। मासूम क्लिनिक के थ्रू आज यहाँ पंचायत भवन में शिविर लगा हुआ है, आप लोग आए तो क्या क्या रिस्पांस मिला, कितने पेशेंट आए अब तक रिपोर्ट के हिसाब से? धन्यवाद आपका कि आपने कवरेज के लिए यहाँ पर आए। हम लोग का बेसिक प्रोग्राम ये है कि हम लोग 26 पंचायत में सेलेक्टिव गांव में जा कर के कैंप करें, तो फिर हमारा फर्स्ट केवला में था, सेकंड झापा में है। तो डॉक्टर अनम अंजुम यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर अशोक कुमार हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोग का बेसिकली यहाँ पर अभी तक जो है 150 क्रॉस कर चुके हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स। ज़्यादातर पेन के पेशेंट्स आ रहे हैं और ब्लीचिंग वगैरह के पेशेंट हैं और कुछ अपने लेडीज़ प्रॉब्लम है, तो वो सब मैडम को दिखा रहे हैं। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस जो है अभी तक ठीक रहा। कोविड को के प्रोटोकॉल को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग जानते हैं सबको। हम लोगों ने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया है, कुछ सैनिटरी पैड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं और बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन है, सारी चीजें अवेलेबल है। ये सबसे बेहतरीन चीज रही कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट्स व्हाई लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली, हम बोल सकते हैं। दूसरी चीज ये कि कोविड का क्या रिस्पांस कुछ आया है यहाँ पे, कि कोविड के कुछ पेशेंट दिखे अब तक? ये कह सकते हैं कि सस्पेक्टेड केसेस है, लेकिन हम उनको कोविड के पेशेंट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वेरियस पेशेंट्स आर कमिंग विद कफ एंड फीवर एंड है ना, तो इस तरह की चीजों को हम लोग अभी फिलहाल तो हम लोग वो कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन अगर वो अगर ज्यादा है तो हम उस पर वो इसके लिए टेस्ट के लिए हम रेफर भी कर रहे हैं। इसके अलावा सर जो कोविड का जो थर्ड फेज जो है इसके बारे में क्या क्या टेक है आपका? टेक सिंपल है, एज यूजुअल हमेशा मास्क को यूज करें, सैनिटाइज करें हाथ पैर को और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को मेंटेन करें, प्रोटोकॉल को समझें और इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन जरूरी है कि वैक्सीनेशन जो है वो हर हाल में आपको लेना है, इसमें कोई किसी भी अफवाह में नहीं आना है कि ये होता है वो होता है। आप वैक्सीनेशन लीजिए, कोई भी हो, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, कोई भी वैक्सीन हो, आपको लेना है। मासूम के इंस्टीट्यूट की हम तारीफ भी करते हैं, इसके 26 पंचायत में आपको जाना है कंटिन्यूसली, तो इसके बाद कौन सा पंचायत होने वाला है आज के बाद? उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर हम देखेंगे सर एरिया के कोई पंचायत बड़ा है कोई छोटा है, तो किसी पंचायत में हो सकता है हमको दोबारा जाना पड़ा। अब इसी में देखिए, अब परसावा शायद है, तो परसावा भी एक बड़ा एरिया है, उसको भी कवर करेंगे। सिंगरामा में भी हमने केवला किया, तो सिंगरामा पंचायत में भी कवर करना है, तो इस तरीके से हम 2-3 बार एक पंचायत में जा सकते हैं। इसके अलावा मुखिया पूर्णिमा देवी का कितना कितना बड़ा योगदान रहा? श्रीमती पूर्णिमा देवी का बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे आने से पहले यहाँ पर सारी चीज़ें साफ सुथरे तरीके से पाई गई, उनके द्वारा जो लोग यहाँ पर चिन्हित किए गए थे, रखे गए थे, वो नसीम साहब हैं और कुछ लोग हैं, तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छा यहाँ योगदान दिया। हम लोग कोऑपरेट किया, सुबह से लगे हुए हैं, हम लोग को सब चीज़ प्रोवाइड कराई गई, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर लोगों का।